मध्य प्रदेश शासन के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री राम निवास रावत ने स्वच्छता सेवा पखवाड़ा अंतर्गत ग्राम टिकटोली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपस्थित ग्रामीणों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। जनपद कराहल क्षेत्र के सफाई मित्रों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर वन मंत्री श्री रावत द्वारा पुरुष सफाई मित्रों को शॉल श्रीफल भेंट कर और महिला सफाई मित्रों को साड़ी भेंट कर सम्मानित किया गया। वन मंत्री रावत ने कहा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ ही सामूहिक स्वच्छता के प्रति जागरूक होने की अपील की है। कार्यक्रम की शुरुआत में ग्रामीणों के द्वारा वन मंत्री श्री रावत का साफा बांध कर स्वागत किया गया और ग्रामीणों द्वारा काष्ठकला से निर्मित चीते प्रतिकृति स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट किए गए। वन एवं पर्यावरण मंत्री ने ग्राम टिकटोली में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत हितग्राही चिम्मन आदिवासी के घर पहुंचकर गृह प्रवेश कराया। इस अवसर पर उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से नए घर की चाबी भी सौंपी। वन विभाग के तत्वाधान में आयोजित एक पौधा माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया गया। श्योपुर से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र विजयपुर के कूनो नेशनल पार्क स्थित कूनो नेशनल पार्क में आज से 2 वर्ष पूर्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका आज जन्मदिन भी है, अपने जन्मदिन के अवसर पर यहाँ चीते छोड़े गए थे नामीबिया दक्षिणी अफ्रीका से लाके। 2 वर्ष के समय में उनके द्वारा ब्रीडिंग की गई। आज 12 बच्चे भी हैं और 12 चीते जो विचरण कर रहे हैं। इस सफलतापूर्वक 2 वर्ष सफलता से निकलने के बाद उम्मीद करते हैं कि ये प्रोजेक्ट पूर्णतः सफल होगा। सभी वन कर्मियों को अपनी ओर से बधाई देता हूँ और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने विजयपुर की पहचान पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी बनाई। पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए माननीय जी क्या होने वाला है? पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए अभी और ब्रीडिंग हो, बच्चे पैदा हों, बढ़ें। यहाँ जो पैदा होने वाले बच्चे हैं पूर्ण स्वस्थ हैं और बड़े हो जाएंगे तब पर्यटकों को